पर इसरो ने नया अपडेट जारी किया है। इसरो ने एक्स पोस्ट के जरिए वीडियो जारी करते हुए बताया है कि चंद्रयान 3 ने अपना हॉप एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि विक्रम लैंडर की कैसे दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम सही रूप से काम कर रहे हैं, इसरो ने इस बात की भी जानकारी दी है। साथ ही इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन ने अपने सारे लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। इसरो ने वीडियो पोस्ट में लिखा है कि सफलतापूर्वक हॉप एक्सपेरिमेंट से भविष्य में चांद से सैंपल को वापस लाने और मानव मिशन को पूरा करने के उद्देश्य में सफलता हासिल की है। इसरो ने बताया है कि सभी सिस्टम सही रूप से काम कर रहे हैं। इस हॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए रैम, चेस्टी और ISS को वापस मोड़ा गया और सफलतापूर्वक पुनः चांद की सतह पर तैनात किया गया। बता दें कि रोवर के स्लीप मोड पर जाने के बाद कंट्रोल रूम के कमांड पर विक्रम लैंडर के इंजन को दोबारा से चालू किया गया और उसे 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया, फिर अपनी जगह से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। इससे पहले इसरो ने ट्विटर के माध्यम से बताया था कि प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया है, अब 22 सितंबर को इसे फिर से एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ लोगों के मन में तमाम सवाल खड़े हो गए थे कि पहले मीडिया रिपोर्ट्स पे ये दावा किया गया कि चांद पर रात 5 सितंबर तक होगी और अगला जो सवेरा है वो 19 या 20 सितंबर तक होगा, लेकिन अब इसरो ने 2 सितंबर को ही रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया और दोबारा एक्टिवेट भी 22 सितंबर को किया जाएगा। आखिर इतने दिन का गैप क्यों? दूसरा सवाल ये कि अगर रोवर दोबारा एक्टिव नहीं हो सका तो क्या होगा? ये सारे सवाल तब खड़े हुए जब इसरो ने एक्स पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी कि रोवर को स्लीप मोड में भेज दिया गया है। हालांकि इसरो की एक्सपोस्ट में ये साफ लिखा गया है कि रोवर ने चांद पर अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है। ये पोस्ट जब किया गया उससे कुछ समय पहले ही इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने मीडिया के सामने बताया था कि रोवर और लैंडर ठीक तरह से काम कर रहे हैं। इसके बाद इसरो ने पोस्ट भेजी, इसमें ये भी लिखा कि एपेक्स और LIDS पेलोड बंद है, इन पेलोड से डेटा लैंडर के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा जाता है। अब ये पूछे जाने पर कि लैंडर और रोवर को 14 दिन काम करने के लिए डिजाइन किया गया था तो जल्दी स्लीप मोड में क्यों भेजा गया, चंद्रयान 3 परियोजना निदेशक पी वीर मुथुवेल ने इसका जवाब दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि हम पहले 2 और आखिरी 2 दिन नहीं गिन सकते। चंद्र दिवस 22 अगस्त को शुरू हुआ और हमारी लैंडिंग लगभग दूसरे दिन के अंत में थी। वहां से विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने हमारी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। मिशन के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं, इसलिए इसे स्लीप मोड पर डाल दिया गया है। अब दूसरा सवाल है कि अगर रोवर नहीं जागा यानी कि फिर से एक्टिव नहीं हो सका तो क्या होगा, चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के नहीं जागने की स्थिति में क्या होगा, इस बारे में भी एक्स पोस्ट में बताया गया है। इसमें साफ किया गया है कि वर्तमान में बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। चांद के साउथ पोल पर अगला सूर्योदय 22 सितंबर 2023 को होगा, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इसका और पैनल उस समय सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार होगा। असाइनमेंट के दूसरे दौर के लिए रोवर और लैंडर के जागने की उम्मीद है। फिर भी अगर ऐसा नहीं हो सका तो ये हमेशा के लिए भारत के चंद्र राजदूत के रूप में वहाँ रहेगा। बताया जाता है कि चंद्रमा पर अपने छोटे से जीवन में प्रज्ञान ने 2 सितंबर तक 100 मीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर ली थी, जो इसकी तैनाती का 10वां दिन था। इस बारे में वीर मुथुवेल ने कहा है कि अगर हम विशेष रूप से रोवर को देखें तो हम केवल 10 दिनों में 100 मीटर से अधिक की दूरी तय करने में कामयाब रहे हैं, जबकि कई अन्य मिशन जो लंबे समय तक चले हैं यहां तक कि 6 महीने तक केवल 100 से 200 मीटर ही तय कर पाए हैं। और अब जो है एक्सपोज के जरिए इसरो ने ये जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 मिशन ने अपने सारे काम जो हैं, सारे असाइनमेंट जो है वो सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।